चम्मच से चलाने, पहले चलाने, पहले डालना है बीच में और चलाते जाना है इसको, हाँ करके इसको हम फैला लेते हैं। अब इतना सारा बन गया है, बेसन का हलवा तैयार है। अब और मैंने खाया ना तो माशाल्लाह बहुत मजे का लगा, और इतना सारा बना है ना, जरूर ट्राई कीजिएगा। 2 कप ऑयल, अगर घी हो तो घी भी डाल सकते हैं आप। जेठानी है तो मैं उनके साथ ये हलवा बना रही हूँ, बनाने रेसिपी इनकी है और तैयार भी यही करेंगी, और इनकी ये जो रेसिपी है ना सबको बहुत पसंद है, तो इनशाला आप सबको भी पसंद आएगी, आप जरूर ट्राई करना। पूरे खानदान में ना इनका ये हलवा जो है ना, बेसन का हलवा बहुत पसंद किया जाता है। और बेसन कितना डालने? 1 कप बेसन, 2 कप अच्छा। तेल के अंदर डाल के हमने इसको फेंटना है। वो अभी वो मीठा सोडा डालेंगे बाद में? नहीं, अभी दरमियान में थोड़ा सा ये पहले इसे अंडे की तरह फेंटना है। फेंटना नहीं, इससे हो जाएगा। नहीं, अगर वो चाहिए तो उससे कर लेते, दोनों से हो सकता है, हो जाता है, इससे से हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना कि बहुत ज्यादा से फेंटे, बस इतना कि ये मिक्स हो जाए। हाँ, मिक्स हो जाए ना ये। अच्छा, केक की तरह नहीं करना। हाँ, ये देखें इस तरह लम्स जो बन गए, सब पसंद करते हैं इनके हाथ का हलवा। तो आज फिर आप भी देखो कि ये कैसे बनाती हैं, बड़ी आसान रेसिपी बता रही हैं। पहले मैंने पूछा इनसे सारा, तो उन्होंने बताया कि बड़ी आसान रेसिपी है, तो बस ये मिक्स ही करना है, कोई इन्होंने फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस इस तरह कह रही है कि मिक्स करेंगे, तो बाकी फिर अगला काम दिखाऊंगी आपको। हाँ, बाज़ लोग भून के बनाते हैं ना बेसन, वो अपना अपना टेस्ट या अलग अलग जायके होंगे ना। बस इसमें हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे। अच्छा, बस मैं आपको दूँ? ये बहुत ज्यादा लग रहा है, 2 इंच पानी, थोड़ा सा बस। हाँ, बस बहुत है। इससे ये क्या होगा? इससे हाँ, इससे कलर इसका ना साफ हो जाएगा, मीठे सोडे से। हाँ, मीठे, फूलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, कलर जिस तरह ये अब लग रहा है इसी तरह रहेगा, जैसे ये कलर अब व्हाइट व्हाइट सा जैसे ब्लैक हो जाता है ना। हाँ, हाँ। बेसन का भूनने से वो चीज नहीं होगी इसमें। अच्छा, इस वजह से इसमें वो फुलाने वाला कोई चक्कर नहीं, बस यही है कि ये इसका कलर अच्छा रहे, इसकी स्मेल कच्चेपन की वो भी खत्म हो जाएगी मीठे सोडे से। हाँ, मीठे सोडे से। बस ये हमारा तैयार हो गया, कोई इतना जोर आजमाई नहीं किया। हाँ, ना वाली कुछ नहीं है इसमें, हल्का से। जब तक हम अपने यहाँ पे चाशनी तैयार करते हैं, इसमें से थोड़ा सा हमने अपना घी या ऑयल जो भी है, बस थोड़ा सा, ये दो चमची ऐसी, ये देखें बस थोड़ा सा इसमें हमारी इलायची जो है ना, ऑयल तो पहले रख जाए। अगर हम ऑयल कम करना चाहें कि अगर 1.5 कप, हाँ तो 1.5 कप कर लें, अपना मीठा कम खाना चाहें तो मीठा कम कर लें। ऑयल और ये जो चीनी है अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये भी नीचे रख के इससे हल्का सा इलायची को प्रेस करना। हाँ, 3 तकरीबन इलायचियां भी। कोई और भी खास रेसिपी है आपकी? फिलहाल तो अभी जहन में ऐसी नहीं है जो सबको पसंद है। देखें बस ये इस तरह करके अभी थोड़ी देर में, हाँ बस जरा से कड़क कड़कड़ा के, तो इसको हमने अपनी चीनी डाल देनी है इसके अंदर, फिर खुशबू आना शुरू हो गई। चीनी और एकदम, ये पानी थोड़ा सा, मैं चीनी डाल दूंगी फिर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी साथ ही। ये पानी रखते हैं आपके पास? ये देखें 1 कप ये डाल दी, चूल्हा हल्का है ना, दम वाला, तेज नहीं रखना। हाँ जी, ये हमारा दूसरा कप चीनी का डला गया। ये आप बस भी जरूरत हो 1.5? हाँ अपने बस ये हाफ कप हमने जो है, आधा कप पानी। हाँ, आधा कप पानी डाल लिया, स्लो स्लो सांचे उससे चाशनी बनाएंगे एक तार की। अच्छा, थोड़ा सा भी पानी जाए ना, एकदम चीनी का पानी और मिल के काफी ज्यादा हो जाता है। चीनी भी मोटी है ना ये, बस तो चीनी बारीक होती है ना, जल्दी से मिल जाती है। ये जरा मोटी, हाँ ये मोटी है जरा, जो मोटी चीनी होती है उसकी मिठास भी तो ज्यादा होती है। ये नीचे है ना शकरगंज वालों की, उनकी चीनी अच्छी होती है मोटी, ब्रांड उनका।
ये भी लो पे कर रही है ना? हाँ नॉर्मल है बस, ज्यादा जरा घुलने का टाइम लगेगा जरा। चिकना हमने इसलिए कम डाले जरा, उसमें सारा चिकना ही चिकना है बेसन के अंदर जो, तो इतना ज्यादा हमें चिकना तड़के में जरूरत नहीं है इसका। डाले लेकिन रिक्वायर्ड ज्यादा ही है कि ऑयल होना चाहिए इसमें। बिल्कुल, अगर आप समझो कि कम ऑयल में करें तो वो नहीं हो सकती, फिर वो जायका नहीं है ना, वो फिर असल जो है रेसिपी वो नहीं है। इन चीजों में जाती है चीजें, खींची भी ऑयल भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, जमाने के लिए ये ऑयल तकरीबन एक टेबलस्पून के चिपके ना, इसलिए ऑयल लगाना है उसमें जिसमें जमाना है। ये मैं हिला दूँ आपको पहले। ये जब तैयार होगा ना हलवा तो इसमें, और ये इसके साथ में प्रेस करना है एक जैसा करना। हाँ, तो इसको भी ऑयल लगा रहे हैं। हाँ, इसको ऑयल लगा के तो उसको एक साइड पे रख देते हैं। चीनी भी बस थोड़ी सी रह गई, तो जैसे ही पकेगा ना फिर मेरा खाली तार बननी शुरू हो जाएगी। हाँ जहरा ये पकेगा तो थोड़ी सी मोटी है चीनी, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, थोड़ी सी हीट ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्की सी और कर दें ताकि जल्दी हो जाए, ज्यादा कड़क ना ना हो जाए। नहीं जब वो तो कड़क बाद में होगा जब आप चीनी घोल घुले ना, तो फिर अच्छा, वो बन जाए। अच्छा अच्छा, ये भी चीज रखनी है। हाँ, कि चीनी का दाना ना घुल पाए और वो तो किस तरह तार बना भी। हाँ थोड़ा सा ना देख के, एक तार के बाद हम उसको करते हैं। अभी हमारा ये नहीं हुआ है, बस ये देखो ना झागी उसका वो होने लगता है कम जब जब तैयारी पे आता है थोड़ा। हाँ, अगर तार ना भी बने ना इसमें तो ये डर नहीं होता कि ये जमेगा नहीं, क्योंकि वो जो वो उसमें घी है क्यों पानी नहीं है कि इसकी तार टूटेगी। अच्छा, तो वो से जुड़ते हैं। हाँ, वो जुड़ जाएगा साथ में। तो बर्तन अगर दूसरा हो तो वो भी नॉन, हाँ सिल्वर में, मैं पहले तो मैं सिल्वर में ही बना रही हूँ, नॉन स्टिक में आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये मैं। स्टील, हाँ स्टील में, सिल्वर के नॉन स्टिक उसमें सच जर्मन सिल्वर के इसमें। अच्छा, बनाए अभी तक मैंने ना। नहीं बर्तन की कोई कैद नहीं है। हाँ बर्तन का कोई वो नहीं है, बस ये इसके बाद चलाने चलाना जो है वो काम रखता है। अभी भी तो अपनी बंद है, थोड़ा सा बस तैयारी है तकरीबन। ये मैंने बिस्तर डालना है, चम्मच से चलाने पहले चलाने। हाँ चलाती हूँ मैं इसको, इसे चला के इसको ताकि वो नीचे जो बेसन हाँ। बैठा है तो सारा मिक्स, आँच स्लो करके बस ये मैंने डालना है बीच में और चलाते जाना है इसको। वो दम वाली स्टेज है ना, उसे थोड़ा सा तेज चुने बस, और जो बेसन और जो शीरा है ना अभी मिक्स नहीं अच्छी तरह ना, एकदम नहीं हो रहा, आस्ता 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 होगा ये, उबाल आएगा इसमें। हाँ इसी तरह होते होते उबाल सा उबाल आएगा, फिर वो जब जमना शुरू हो जाएगा तो खुद ब खुद बर्तन छोड़ देगा, ऑयल थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। अब मीडियम से कम फ्लेम, बस इसमें टाइम लगता है जरा ये हाथ चला, हाँ हाथ चलाते रहे, हाँ चलाते रहे इसको, छोड़ना नहीं है। थोड़ा ही वक्त है तैयारी में, ज्यादा नहीं है। अच्छा जो ये आपकी रेसिपी है ना, मुझे लग रही है कि ये आप ही की रेसिपी खास, अक्सर ये लोग दूसरे लोग ना फ्राई करते हैं पहले बेसन को। अब कलर देखा ना इतना अच्छा सा लग रहा है इसका बेसन का। हाँ, कलर की जरूरत नहीं डालने की। हाँ, कलर की और जैसे वाइट वाइट सा। हाँ ये उससे हो रहा है जो आपने मीठा सोडा डाला, मीठा सोडा उससे उससे ये पूरा ही रहा। हाँ थोड़ा सा और कलर भी अच्छा, अब वो ऑयल भी नज़र आ रहा है अलग से। हाँ बस इसी तरह हाँ। करते करते ना इसलिए छोड़ना शुरू कर देना, जिस तरह ये लाइनिंग सी नज़र आ रही है ना, ये इसी तरह बनते बनते ये इसी शक्ल में शेप में बनता जाएगा। जैसे वो देखने में लग रहा था बर्तन सही रहेगा लेकिन वो खुला है, ये मीठे सोडे की वजह से भी कुछ थोड़ा सा ना इसमें आया है, ये खुला है। बस इसकी चलाई जो ना यही रहा होता है कि हाथ तकरीबन कितना टाइम ऐसे पके
15-20 मिनट तो लगते हैं कम से कम हाँ करने में। अभी जरा ये ना इसकी जब चला रही है तो फिर मैं आपको जैसे तैयारी की तरफ आते हैं ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं वापस दोबारा आ गई और ये ना जरा तेजी से चम्मच चलाना है, चलाएंगे ना तो वो जो ऊपर आ रहा था ना अब नीचे जा रहा है। बेसन का जो सारा मिक्सचर है ना वो पतीली भी पहले लग रही थी बड़ी छोटी है वो जो पैन है सॉस पैन तो अब देखो नीचे जा रहा है तो तेज़ी से किया है ज़रा जान लगानी पड़ेगी। सर्दी का मौसम है ना तो ये हलवा और दूसरी चीज़ें हो तो मज़ा आता है तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं आप सबके लिए रेसिपी तैयार करूँ आपको दिखाऊँ कि भाभी कैसे बनाती हैं इनकी क्या रेसिपी है। अब ये तेज़ी से चम्मच चल रहा है ना तो वापस नीचे जा रहे हैं। अब भाभी कितनी देर तक 10 मिनट और लगेंगे 10 मिनट साइडों से इसका ना हाँ। वो होना शुरू हो गया ये इस तरह नहीं, इसकी क्या निशानी होगी जब ये हम चूल्हा बंद करेंगे ये जिस तरह इकट्ठा हो जाएगा सारा वो पैन छोड़ देगा हाँ क्यों ना अभी से हल्का हल्का ऑयल नज़र आने लगा ना किनारों से तो ये एकदम इकट्ठा हो जाएगा और वो टिकनाई नजर आने लगेगी बस फिर उसके बाद तैयार। चलो फिर अभी कर रहे हैं तैयार। हाँ से भारी लग रहा है कुछ भारी पर ना आना शुरू हो जाता है उसमें ना जो अच्छा जब तैयारी की तरफ फिर इसका मतलब है अभी हटाते नहीं है हाँ, कैमरा तो वो बनाते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ फिर जब तैयारी की तरफ आ रहा है तो ज़रा मेहनत है घुमा रही हूँ खूब चम्मच चला रही हूँ। वो भाभी जो आप कह रही थी तो स्टील या सिल्वर के पतीले में क्या हाँ, उसमें कलर चेंज हो जाता है जरा जल्दी कलर लाल लाल हाँ लगना शुरू हो जाता है। इसमें ये कह रही है कि इसमें भी होने लगा ये हाँ, साइडों हाँ, से हल्का हल्का सा जरा लेट हुआ है इसमें हाँ, इसमें जरा लेट हुआ है। अगर स्टील या सिल्वर का इस्तेमाल करेंगी ना बर्तन तो घबराना नहीं है तो आपने इसकी जो फ्लेम है ना कम कर देना आप साइडों से भी लग और खुशबू भी इसकी चेंज हो रही है ना। नीचे लग रहा है चूल्हा बंद कर दें इसलिए नहीं नहीं लेकिन अच्छा। फिर वो जलेगा नहीं ना तो ये कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं अब इसको ये जल्दी जल्दी चलाती हूँ ना हाँ। अब मिक्स हो गया हाँ ये तरीका सही घुमा घुमा के ना साइड साइड से उठाते जाओ फिर वो पीछे वाला जो है ना जमेगा नहीं अब वो कलर नहीं आएगा। ये तो मैंने कहा इतने अरसे के बाद मैं बना रही हूँ तो वो मुझे है ना हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे कहने पे बनाया तैयार किया। एक अजान हमने सुन ली है बाकी दूसरी अजान हो रही है तो माजरत इसलिए अब मैंने बंद कर दिया था मोबाइल तो अब दोबारा दूसरी अजान है। इस तरह कर रही है ना तो अब वो लगा हुआ नज़र नहीं जैसे वो कलर आ रहा था ना अब नहीं हो रहा एकदम चम्मच चला के उसे तोड़ के तो अरे तो मुझे उसकी है ना सिल्वर वाले उसमें हाँ। बनाने की नॉस्ट में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो वो तो थोड़ी सी है ना हाँ। अभी भी नहीं तैयार अभी नहीं अभी भारी नहीं हुआ अच्छा वजन में हाँ थोड़ा सा वजन हो जाता है इकट्ठा होने लगता है ना जरा ये तो चम्मच चलाना मुश्किल होता है अभी हुआ कि नहीं हुआ पता लग जाए और पकड़ के नरम हाँ, नरम है मैंने उंगली हाँ। लेकिन इसकी जो परात की तरफ आई ना साइड वो बन रही है हल्की लेयर बन रही हाँ अभी अभी नहीं ये देखे बीच में से ये हो रहा है ना ये छोड़ रहा है देखो बिल्कुल अब से बर्तन छोड़ दिया है हाँ ये देखो ना ये बिल्कुल बर्तन अब से बीच में से नजर आ रहा है अच्छा पहले नहीं छोड़ा हाँ अब ये बिल्कुल तैयारी पे आ गया तो इस अब इसने बर्तन छोड़ा हाँ बस अब ये तैयारी पे अब आया तैयारी पे बिल्कुल देखो अब इसने बर्तन भी छोड़ दिया बनाना ज़रूर है सबने ट्राई करना है और फिर कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि ये हलवा कैसा लगा आपको बना करके इसको हम फैला लेते हैं वो बादाम वो दूसरी चीज़ें गायब अभी मैं पहले कर ली ऊपर डाल दें हाँ, नहीं वो बाद में डालती हूँ हाँ मिल जाएगा चलो जी हलवाई वाला समझो कि ये टुकड़ी वाला हलवा अगर बर्तन बड़ा हो आप अपने हिसाब से हाँ। पतला रखना लेकिन वो जो एक का बेसन था ना वो उससे
इतना सारा बन गया है, दो कप बेसन हो तो ये तो बहुत है, तो इसलिए एक कप। हाँ, ये तो मैं इतना मोटा बनाती नहीं, ये तो काफी मोटा बन गया है, ये बर्तन छोटा रहेगा। छोटा रहेगा, अच्छा इससे थोड़ा और ज्यादा पतला होना। हाँ, ये सेंटर से जरा ऊंचा लग रहा है। मारती अभी हम इसका, अभी ये जल्दी नहीं, वो नारियल नहीं कटा डाला इसमें, छोटा छोटा वो नजर नहीं आ रहा। नहीं अब जगह नहीं आ गया ना फैलने के लिए, तो लेकिन कलर में भी अच्छा लग रहा है, प्यारा कलर है, गोल्डन सा कलर जो लग गया वो भी अच्छा है, उसका जायका टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। अभी अब पंखा चला दो, थोड़ी देर में ये जम जाएगा। अच्छा, तो इसके हम कटिंग करेंगे जब ठंडा होगा। कटिंग कटिंग थोड़ी देर तक है ना। कितनी देर तक? जरा ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि हम आसानी से नहीं, ज्यादा अगर ठंडा हो गया तो फिर कटेगा। नहीं, ज्यादा नहीं ठंडा होगा। हाँ, काफी देर गर्म रहता है। अच्छा, हाँ, ज़्यादा उसमें तो चिकना इतना डला है। हाँ, तो वो तो नहीं, तो हम वो करके कर दे अभी, अगर होता है तो कर दे, ये भी पता चल जाएगा ना, फौरन कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा और वो ठंडा हो जाए तो अच्छा है। इन तो इस तरह ना कटिंग वो हो रही है, चिपक रहा है ना, ये बताएं। हां, इस तरह ना अभी चिपक रहा है, देख रहे तो फिनिशिंग भी नहीं आएगी ना कटिंग जब करते हैं तो। थोड़ा सा चलिए ठीक है, जरा ठंडा होता है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ एक दो मिनट के बाद ये फौरन ही जमना शुरू हो गया है, तो बस आप काट लेना है। अगर ज़्यादा देर की ना तो फिर कटिंग ना मुश्किल होती है, पीसेस नहीं बनेंगे। तो आप जो इसके पीसेस है ना स्लाइस जिस तरह भी बनाना चाहें, चाहे चकोर बनाना चाहें, हाँ, तो वो आपकी मर्जी है। तो बस अब ये ठंडा होता है ना फिर आपको डिश में निकाल के दिखाएंगे। बोल, ये बेसन का हलवा तैयार है। आप बेसन का हलवा ना कहें, इसे कहें बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार है। और मैंने खाया ना तो माशाल्लाह बहुत मज़े का लगा, और इतना सारा बना है ना, जरूर ट्राई कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएं। और मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।